हाय एवरीवन मोर अनंत स्वागत करछि आपनको आपनकर प्रिय YouTube चैनल साइटेड क्लासेस पे ताले पिला माने आज रहिछ हमर रीजनिंग रो 14 नंबर क्लास जोंतिर के हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऊपर कंप्लीटली डिस्कशन करबा जोंछे। तो प्रीवियस क्लास रे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रो ओनली डायरेक्शन ऊपर डिस्कशन करथिले जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट रे वीडियो अवेलेबल अछि जाय के अगर देखि नंतु जहां पर आपन माने डायरेक्शन को टाइप रे क्वेश्चन आसे आ क्वेश्चन को हम केमि सॉल्व करले अकुरेट आंसर पाई परबे ता बिषय रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपन माने पाई परबे। ताले पे माने क्लास टी स्टार्ट करिया पूर्व आपन को ओटे छोटे रिक्वेस्ट कि जदी आपन माने चैनल ले नुवा छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं साइड आस्ते बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन दबांतु जहां पर आपन माने जदी भी किछ बेट पे एवं अदर गवर्नमेंट एग्जाम पे प्रिपरेशन करू छथि ताले आपन माने एई साइज टी क्लासेस रु क्लास कोडी को पाई के आपन माने सक्सेस हे परबे। ठीक अछि ताले पे माने ता सहित आपन माने टेलीग्राम ग्रुप ने मते जॉइन हि जंतु काहे कि ना टेलीग्राम ग्रुप रे आपन जदी जॉइन होछथि दुईटा टेलीग्राम ग्रुप अच्छी। तो गोटे टेलीग्राम ग्रुप होती आपर साइटेड क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो थी आप इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन गुड़िक जहाँ भी किसी सेयर करेंगे सहित क्लास नोटिफिकेशन गुडापरेंगे सहित आपर गोटे अच्छी साइटेड क्लासेस डिस्कशन ग्रुप जो थी आपर जहाँ भी किसी डाउट आसूस डाउट पचारिपारे और मैक्सिमम पिला से रही क्या क्या से डाउट आंसर आसूस तो आपर से क्लीयर करेंगे तो निज निज भर में डाउट क्लीयर करेंगे जहाँ पर आपर किसी भी प्रोब्लम होनी जदि किसी डाउट रही जाऊँच आप टेंशन रही कि सर एमती का डाउट रही गला तो मुझे कमी क्लीयर करी फ्री बैच तो अच्छी मुझे कमी क्लीयर करी तो से आपकी टेलीग्राम ग्रुप अच्छे जो थी आप डिस्कसन करेंगे किसी भी डाउट हूँ आपने पचारि पारे तो निहाती आपको तार सल्यूशन मिल जाए आपने क्लीयर हो पारे सहित पे साइटेड क्लासेस ऑफिशियल आप डाउनलोड कर दिखाँ प्ले स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी तो आपने सिंपली सर्च करेंगे साइटेड क्लासेस सामने फ्रंट पेज में पड़े आसो साइटेड क्लासेस ऑफिशियल आप आपने डाउनलोड कला सिंपली कौन करेंगे आपर स्टूडेंट हिसाब से लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन कर रखि था यह कले आपर फायदा कौन हम तो फायदा यहाँ हम कि आप बहुत जल्दी फ्री टेस्ट रो प्लानिंग करा जो कि आपको मॉक टेस्ट सहित तो लास्ट मोमेंट में फ्री टेस्ट जोटा कि फुल टेस्ट देवर चांसेस जो चांसेस रोचे से निहत भाव में साइटेड क्लासेस ऑफिशियल आप को डाउनलोड कर रखु आप बहुत सारा बेनिफिट हमार अच्छे पे फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ जहाँ पर क्लास कर साइटेड क्लासेस सक्सेस हो पारे। तो ठीक अच्छे पे जदि क्लास टी भल लगे क्लास को गोटे लाइक करेंगे चैनल में नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन निहत भाव में दबाइए आउ थे रिपीट करें तो ऑल नोटिफिकेशन को दबाइवा द्वारा आपको इन टाइम रे नोटिफिकेशन मिल पार और क्लास को आपने इन टाइम देखी पारे तो आउ डेरी करेंगे पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम कौन करवा ना प्रीवियस क्लास से जो होमवर्क क्वेश्चन दुईटा देते होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करवापर आम आज क्लास में जहाँ भी क्वेश्चन रही है कंप्लीटली डिस्कस करवा पे आम जी होमवर्क क्वेश्चन को पूर्व आपको आउ थे रिपीट कर देखा चाहिए कि आपर कौ टाइप क्वेश्चन आसे ना प्रथम तो आपर फाइंडिंग डायरेक्शन ओनली क्वेश्चन आसे जोटा कि आपर देखिपे स्क्रीन में फाइंडिंग डायरेक्शन ओनली कंप्लीटली प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चाहिए तो आज क्लास में फाइंडिंग डिस्टेंस ओनली और फाइंडिंग बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो मिसिके जो क्वेश्चन आसे तापर मते कंप्लीटली डिस्कशन करवा सहित आपर एंगल बेस क्वेश्चन जहाँ भी किसी एग्जाम आसे कंप्लीटली डिस्कशन करवा जहाँ पर आपने क्लीयर हो कि एंगल बेस क्वेश्चन अति सहजे सल्व करेंगे। तो पे जीवन होमवर्क क्वेश्चन को तो प्रथम होमवर्क क्वेश्चन थी आपने शो कर बर्तमान तो जल्दी जल्दी आंसर करूँ कौन आसते आंसर क्वेश्चन थी कि वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स व्हिच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड देन व्हिच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी ताले कौन कहला फाइनाली क्वेश्चन टाइम लास्ट को पढ़ी दौर कि फाइनाली कौन कही भाई देन व्हिच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी ताले पिला माने व्हिच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी ताले पी वाई रो को डायरेक्शन अच्छी यहाँ आपको बुझाप पड़ा प्रथम कि क्वेश्चन कौन पचार ना पी वाई रो को डायरेक्शन अच्छी तो फाइनाली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आपको डायग्राम ड्र करने पड़ो आपको डायग्राम ड्र कर डायरेक्शन रो यहाँ हो डायरेक्शन तो ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन तो पे यहाँ आपर मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन रही जो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करते जो मैंने नुआ पिला अच्छा प्रीवियस क्लास को दया करके देखी नि देखने ही आपने सबकि क्लीयर हो पारे और सबकि बुझीपारे तो आउ थे रिपीट कर दूसरी कि आम मेन डायरेक्शन जमीक नॉर्थ और ईस्ट भितर आम डायरेक्शन क्या चिंता करवा 90 डिग्री डायरेक्शन मैंने हाँ कि नहीं सरी 90 डिग्री एंगल मैंने सेमती ईस्ट और साउथ भितर 90 डिग्री साउथ आउ वेस्ट भितर 90 डिग्री आउ वेस्ट आउ नॉर्थ भितर 90 डिग्री सबुटी कौन होता है पे 90 डिग्री रिपीट कर दूसरी खाली सबुटी 90 डिग्री हमने था सेमती पे जदि मझे सब डायरेक्शन आसगला 90 डिग्री को डिवाइड करी कौन करना 45 डिग्री 45 डिग्री भाग कर दबो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करते छाड़ से कथा एंगल बेस क्वेश्चन करवा डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे तेल पे क्वेश्चन कह गया वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स तेल वाई कौटी अच्छी ईस्ट र एक्स ईस्ट पट को अच्छी एक्स को प्रथम आमको ड्र करने पड़ो तो एक्स ड्र करे तो कौन करवा वाई को ड्र करवा कौपटे ना ईस्ट पटे ड्र करवा आम जानते यहाँ हूँ ईस्ट डायरेक्शन
तापर कौन कहला पिला माने व्हिच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड तले कहा कथा कहला पिला माने एक्स कथा कहला व्हिच पूर्व जे थबो तारि कथा ही कहाई छि कि कहा कथा कहला एक्स कथा तले हमें को कौन पढिबे ना एक्स इज द नॉर्थ ऑफ जेड तले जेड रो नॉर्थ फटु को के रहइबो नामरो एक्स रहइबो ता माने गोटे मिनिट ठीक अछि तले कौन कहला एक्स एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड तले जेड रो नॉर्थ फटु को के रहइबो ना एक्स रहइबो इट मींस एक्स रो साउथ फटु के रहइबो ना जेड रहइबो बुझियला ना बुझियला तले जेड हे गला ई जगह रे बुझियला एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड बुझियला त नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड तले पी कोठी रहइबो ना जेड रो साउथ फटु रहइबो तले बटन ड्रा करबा का को ना पी को ड्रा करबा त क्वेश्चन को पछति इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ द वाई इज पी तले वाई रो पी को डायरेक्शन रे अछि वाई रो पी को डायरेक्शन तार वाई पाखरे में जे डायरेक्शन ड्रा करू छै पिला माने एटा हे जे को डायरेक्शन ना वर्तमान एटा हेतला साउथ एटा ओटा वेस्ट तले एटा को डायरेक्शन हे गला ना साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर कोठी छै पिला माने ना कोठी भी नहीं नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी आपन मन कर राइट आंसर हे जो बुझियला ना बुझियला नी ऑप्शन डी आपन मन कर राइट आंसर हे गला तो आउ थरे हम कहि दउ छी पिला माने वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स तले वाई कोठी रहला ना एक्स रो ईस्ट पट को वाई रहला बुझियला एक्स रो ईस्ट पट को वाई रहला देन एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड पाइच कहि छै माने हमरा एक्स भी बुझिबा एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड तले एक्स कोठ रहला जेड रो नॉर्थ पट को रहला हम जन छै एटा हो जे नॉर्थ डायरेक्शन आ हो ना नहीं बिल्कुल हो त नेक्स्ट आसी गला इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड तले पी कोठ रहला जेड रो साउथ पट को रहला बुझियला तीन छ नेक्स्ट क्वेश्चन पछला देन व्हिच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी तले वाई रो पी टा को डायरेक्शन रे रहिछि तार को डायरेक्शन रे भाई रहिछि देखि परथु आपण माने को डायरेक्शन रे हमर साउथ वेस्ट डायरेक्शन रे रहिछि हो कि नै तले एटा होइ जो वेस्ट एटा जो साउथ एटा ईस्ट हे जबो देन एटा नॉर्थ हे जबो तले को डायरेक्शन रेला ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन रेला ऑप्शन रे नै नॉन ऑफ दिस क्लिक करि परबा बुझियला ना बुझियला नि एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क थिला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन तो हमर त इ If the digit of 6 o'clock pointing towards east, then in which direction will 9 point? ताले प्रथमे कोण करिबा हमें डायग्राम ड्रा करिबा। Without diagram तो हमें सॉल्व करि परिबे नै तो प्रथमे कोण करिबा डायग्राम ड्रा करिबा। केतले without diagram ड्रा करि परिबा जेतले हमें बहुत सारा प्रैक्टिस करि सरिबा क्वेश्चन सेतले हमें without diagram मध्ये सॉल्व करि परिबा। ताले पिला माने हमें डायरेक्शन अगर ड्रा करनबा एटा हे गला ईस्ट डायरेक्शन एटा वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देन एटा को हमें कोण करि परिबा प्रथम आम जेहेतु क्लक कथा कही तो क्लक आम ड्र कर तो क्लक यहाँ होगा यहाँ हूँ 12, 6, 3 और 9 तेल पे यहाँ हूँ साउथ डायरेक्शन यहाँ हूँ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन तो 6 क्या पॉइंट कर ईस्ट को पॉइंट कर ईस्ट बर्तमान कौटी होगा ना यही जगह तो ईस्ट टिके राइट साइड को क्लक वाइज बुलवा तो कौन आसो ना साउथ आसो तो फाइनाली ये साउथ आसो देन ये कौन आसो ना वेस्ट आसो ये कौन आसो ना नॉर्थ आसो बुझेगा ना बुझेगा ये टाइप जो बुलवा ये नॉर्थ आसगला तो आमको कौन कहला ना ईस्ट डायरेक्शन जब 6 रहा 9 टा को डायरेक्शन अच्छे तो फाइनाली हमारा राइट आंसर कौन ना साउथ इज द करेक्ट आंसर आई होप कि समस्त क्लियर थी ऑप्शन ए आपर क्लियर आंसर हो ऑप्शन ए आपण मानकर आंसर हो गला तो जदि आपण मानको पचारता 12 को डायरेक्शन रहला आपण मान कहता कौन ना वेस्ट डायरेक्शन जदि पचारता आपण मानको 3 को डायरेक्शन रहला तले आपण मान को कहता ना नॉर्थ डायरेक्शन तले कंडीशन कौन अछि जदि आपण मानकर 6 टा रहूची ईस्ट डायरेक्शन तले आपण मानको क्वेश्चन पचाछि बुझियला ना बुझियला नि आशा करछि समस्त क्लियर हो जेथिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा आजर क्वेश्चन जे रहिछि आमे तापर कंप्लीटली टिके डिस्कशन करनबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि पिला माने तो आज क्वेश्चन रही है एंगल को बेस करके एवं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को बेस करके रही तो प्रथम हमें एंगल बेस क्वेश्चन को सॉल्व करवा डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन को जीवा तरह डेरी करेंगे पे क्वेश्चन कौन रही है फास्ट पढ़ी नियंतु कि ए पर्सन फेस इन द साउथ डायरेक्शन एंड ही टर्न 135 डिग्री लेफ्ट देन टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ बुझी ना बुझे क्वेश्चन प्रथम गोटे लोकर फेस थी कौपट को ना साउथ डायरेक्शन को थी बर्तमान से टर्न कला के 135 डिग्री कौपट को ना लेफ्ट पट को आपण मानक पूर्व कही मन कर गोटे लोक तो ईस्ट पट को फेस करके रही कहब लेफ्ट पट को बुलाई से सब कैसे डिग्री बुलव ना 90 डिग्री ही बुलव बुझेगा ना बुझेगानी मनकर कहता राइट पट को बुलाई से सब कैसे डिग्री बुलव ना 90 डिग्री बुलव बर्तमान साउथ पट को मनकर फेस करके रही बर्तमान साउथ पट को फेस कर रही कहब लेफ्ट पट को भाई भूल से कैसे डिग्री बुलव ना 90 डिग्री बुलव सब पे लेफ्ट हो कि राइट हो सब एंगल कैसे डिग्री बुलाया पड़े ना 90 डिग्री बुलाया पड़े ये इंपोर्टेंट जिनस मन रखिथे पे क्वेश्चन कौन कहला ना ए पर्सन
पर्सन फेस इन द साउथ डिरेक्शन साउथ डिरेक्शन गोटे लोक फेस कर डिरेक्शन ड्र कर दूसरी एटा साउथ ईस्ट वेस्ट एटा नॉर्थ तले साउथ पट को वर्तमान लोकटे फेस करके रही कहला कि भाई तू ईस्ट ही टर्न 135 डिग्री इन लेफ्ट लेफ्ट डिरेक्शन 135 डिग्री बुलाया कहला तले कौन कर वर्तमान ना वर्तमान वर्तमान से बुलियो केते डिग्री ना लेफ्ट को बुलियो माने 90 डिग्री बुलला प्रथम हाँ कि नाई 90 डिग्री बुलला तले आउ केते डिग्री बुलले 135 रे पहुंचिबो ना आउ 45 डिग्री बुलले से कौन कर 135 डिग्री पहुंचो बर्तमान के डिग्री बुलबे ये डिरेक्शन ड्र करवा पे डिरेक्शन हो गला तो 90 डिग्री बुलिकी आम ईस्ट डिरेक्शन फेस कला बर्तमान सब डिरेक्शन ड्र करा यहाँ जो क्या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन बर्तमान 45 डिग्री बुलला एटी बुलला 90 डिग्री एटी बुलला 45 डिग्री बुझेगा टोटाल के बुलीगला ना 135 डिग्री तेल एगुड़ाक आम अति सहज से सल्व करने कौन करवा ना जो 135 डिग्री देखा कौन करवा ना भांगी दवा के डिग्री ना 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री कौन कर सरी 45 डिग्री आम कौन करवा भांगी दवा भांगी दे कौन हो प्रथम 90 डिग्री बुलीगला 45 डिग्री बुले बर्तमान कौन कहला ना से लोकटी टुवर्ड्स हुई डिरेक्शन इज हि वर्किंग नाउ तेल कौ डिरेक्शन से लोकटी बर्तमान बुलूँ कौ डिरेक्शन बुलू ना सरी कौ डिरेक्शन चलुची ना आम नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन बर्तमान से लोकटी चलु बुझेगा ना बुझेगा आउ थे कौन भल भाव बुझाप चेस्टा कर आउ थे कह देख आम डिरेक्शन ड्र कर ना ये जगह ड्र कर ना बर्तमान लोकटी कौ पट फेस करा आम साउथ पट फेस कर ताको कहला कौन भाई तू 135 डिग्री लेफ्ट बुलू लोकटे लेफ्ट कौटा ना ये डिरेक्शन हूँ लेफ्ट बुझेगा तो 135 को आम भांगी देते 90 डिग्री आउ 45 डिग्री भांगी दे बुझेगा तो प्रथम जब 90 डिग्री बुलव लोकटी कौन ना टोटाल 90 डिग्री एम बुलीगला ये जगह आज पहुंचलापर के डिग्री बुलब ना 45 डिग्री बुलब कहीं 135 डिग्री बुलवर अच्छे तो 45 डिग्री बुलाई आम ये सब डिरेक्शन ड्र कर सब डिरेक्शन ड्र कले यहाँ कौन हो ईस्ट आउ यहाँ हूँ नर्थ देन यहाँ आराम से कौन हो नर्थ ईस्ट हो बुझी ना बुझे तेरे 45 डिग्री बुलिकी बर्तमान ये डिरेक्शन से आगू 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 चलना तेल कौ डिरेक्शन चलती ना आम नर्थ ईस्ट डिरेक्शन आशा कहे समस्त क्लीयर होती जदि यहाँ क्लीयर होती आगू जो क्वेश्चन गुड़ा आसने अति सहज से सल्व करेंगे तेल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी पे देखी नि रश्मि इज वर्किंग द ईस्ट डिरेक्शन आफ्टर वर्किंग फर सम टाइम हि टर्न 45 डिग्री लेफ्ट एंड देन टर्न 90 डिग्री लेफ्ट टुवर्ड्स हुई डिरेक्शन हिज वर्किंग ना बहुत इजी क्वेश्चन पे क्वेश्चन में किसी ना आपन को फास्ट देखा पड़ो लेफ्ट कही कि राइट कही तो कते डिग्री कही फाइंड करने पड़ो तो अति सहज से कौन करवा क्वेश्चन गुड़ा सल्व कर पार्टी आम प्रथम कौन करवा डिरेक्शन ड्र कर आम कम प्रथम कौन ना डिरेक्शन ड्र तो डिरेक्शन आम ड्र करे यहाँ कौन होगा ना ईस्ट डिरेक्शन यहाँ वेस्ट डिरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ डिरेक्शन तो प्रथम कौन कहला रश्मि इज वर्किंग इन द ईस्ट डिरेक्शन बर्तमान कौ डिरेक्शन चलता रश्मि ना ईस्ट डिरेक्शन चलता कलर टी चेंज करवा तो ईस्ट डिरेक्शन रश्मि बर्तमान चली तो नेक्स्ट कहला आफ्टर वर्किंग फॉर सम डिस्टेंस सम टाइम हि टर्न 45 डिग्री लेफ्ट पे 45 डिग्री कथ आसला मैंने आमको सब डिरेक्शन न्याय के ड्र करने पड़े तो बर्तमान सब डिरेक्शन ड्र कर तो यहाँ कौन है ना नॉर्थ ईस्ट एटा साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एटा साउथ ईस्ट हो गला बुझीगला तो बर्तमान आम कौन करवा ना ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट डिरेक्शन तरह कौ पट फेस करता ईस्ट पट को 45 डिग्री बुला मैंने बर्तमान कौट पहुंचा ना ये जगह आज पहुंचा बुझीगला बुझीगला ना बर्तमान नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन को फेस करके अच्छे कौन कहला एंड देन टर्न 90 डिग्री नी लेफ्ट ताले पुणी कौन कला 90 डिग्री बुला ताले पिला माने 82 को केते ना 45 डिग्री ये 45 डिग्री बुलथला तो पुणी 82 जति 90 डिग्री बुलुची तो एतिके एरिया कोन कर पुणी 45 डिग्री बुलिया पडियो ताले टोटल टा केते ना 90 डिग्री बुलियाला बुझियाला ना बुझियाला 90 डिग्री नी लेफ्ट ताले सो टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन ही इज वर्किंग नाउ अरे भाई को डायरेक्शन वर्किंग करूची ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वर्किंग करूची बुझियाला ना बुझियाला इजी क्वेश्चन किछ नै ताले नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर हेगला ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर हेगला बुझियाला ना बुझियाला ताले ए क्वेश्चन को आउ मथे अति सहज रे हम सॉल्व कर परबा ताले केमि सॉल्व करबा ठीक है देख प्रथम कौन करें डिरेक्शन ड्र कर यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डिरेक्शन पे सब डिरेक्शन ड्र कर
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट सब डिरेक्शन ड्रा करने ले। तो प्रथम कौन कही पे लेफ्ट लेफ्ट अच्छी कि नहीं पे देख इटी लेफ्ट अच्छी एठी लेफ्ट अच्छी कलर टी चेंज हो देख एठी लेफ्ट अच्छी एंड आउ कोठी अच्छी ना एठी मते लेफ्ट अच्छी माने गोटी डायरेक्शन हमको बुलिया पड़ो जोठी लेफ्ट लेफ्ट थिबो सेठी सेठी कोन करिवो ना हमर सब जको एंगल को मिसेई दबा तले मिसेवा कोन करिवो ना प्रथमे 45 डिग्री तापरे 90 डिग्री बोलिछ तो प्रथमे 45 डिग्री तापरे 90 डिग्री बोलिछ तो प्लस 90 डिग्री मिसेई देले केते जेबो ना 135 डिग्री बुझियाला ना बुझियाला 135 डिग्री ताले पिला माने देखो वर्तमान कोपडु फेस करितला ना हमर ईस्ट डायरेक्शन फेस करितला वर्तमान फेस करिला तो 135 डिग्री जदी एटी मूव करबा प्रथमे केते डिग्री 90 डिग्री मूव करले 45 डिग्री डायरेक्ट 135 मूव कर देले त ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करि परबा वर्तमान आंसर बंगला नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर हो तो ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें एमिति काहे कि सॉल्व होला एटी सिना कोन हेतला ना सेम डायरेक्शन थला बले हमको एमिति कर देले किंतु जदी अपोजिट डायरेक्शन थिबो लेफ्ट एंड राइट रो कॉम्बिनेशन थिबो आमे कोन पुनी एपट को जिबा सेपट को जो एंती करियो कि एंती करिवर नाही केवल बॉर्डर डायरेक्शन और सैंडर डायरेक्शन माइनस कर देबा बॉर्डरटा जोटा हेतबो जदी राइट हेची राइट को जिबा जदी बॉर्डरटा लेफ्ट हेची लेफ्ट को जिबा तो आगु को जिबा से टाइप रो क्वेश्चन को मधे सॉल्व करिवा त एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बुझेला ना बुझेला तो क्वेश्चन नंबर 3 हेची राजू स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस एंड ही टर्न 135 डिग्री राइट एंड वॉक सम टाइम देन ही टर्न राइट so towards which direction he is walking now tal pila man question kon kahila raju bartaman walking start karchi east direction from his house tal gharu east direction re tara walking start karichi and he turn 135 degree to 135 degree bulla ko direction re right direction re bulla and walk for some time sei direction re kichhi samay chalila then he turn right puni right turn nela so towards which direction he is walking now tal pila man dekho prathame direction draw karba देखो ये गला हमरा कोन ना ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ सब डायरेक्शन ड्रा करनबा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन हम ड्रा करले प्रथमे को डायरेक्शन से चलथिला ना हमरा ईस्ट डायरेक्शन से चलथिला तले को डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन बुझियाला फ्रॉम हिज हाउस तले ता घरटा मन कर ए जगह रे रहियो बुझियाला ता घरटा मन कर ये जगह रही गला ता घरु ईस्ट डायरेक्शन में चालू थिला गोटे मिनिट कलर टी चेंज हो तो घरु ईस्ट डायरेक्शन चालथिला बर्तन तक कहला कि भाई ही टर्न 135 डिग्री तक कहला कि 135 डिग्री से टर्न करे पे को डायरेक्शन है ना राइट डायरेक्शन है तले राइट डायरेक्शन में 135 डिग्री टर्न करिवार त बर्तन कोन करियो ना प्रथमे 90 डिग्री टर्न कला तापरे 45 डिग्री टर्न कला बर्तमान को डायरेक्शन पहुंच गला ना हमर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पहुंच गला तापरे कोन छि एंड वॉक फॉर सम टाइम देन ही टर्न राइट तले कोन ला पूरी राइट को टर्न करबो पिलावन आपन को सबले कहि छि पूरा राइट को टर्न करबो माने 90 डिग्री टर्न करबो लेफ्ट को टर्न करियो माने सही 90 डिग्री टर्न करबो जो पर्यंत एंगल देइनी हमें ताको 90 डिग्री बोली कंसीडर करबो तले एटु से कोन करबो 90 डिग्री ए गला 45 ये गला 45 टोटल केते ना 90 डिग्री टर्न कला त बुझियाला बुझियाला नि तो एटा गला 90 डिग्री बुझियाला त टोटल से को डायरेक्शन वर्तमान पहुंच जाई छी ना हमर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पचारि छी कोन क्वेश्चन टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग ना त को डायरेक्शन से वर्तमान चालू छी को डायरेक्शन ना नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन ए आपन मन कर करेक्ट आंसर छी बुझियाला ऑप्शन ए आपन मन कर करेक्ट आंसर हे गला बुझियाला ना बुझियाला नि त ए क्वेश्चन को आउ केमते हम सॉल्व करि परबा त देखो पिला माने सेम डायरेक्शन अच्छी बेसी किसी चेंजेस आसबनी बट जदि अलग डायरेक्शन रही आपठी जाणी थी जदि क्लियर हो पारे देख प्रथम कौन देना 135 डिग्री राइट रे हाँ कि नहीं राइट रे कही राइट को बुलाई मैंने कौन कर 90 डिग्री आड करदे तो 90 डिग्री जब आड करदे आम के मिल जाएगा 225 डिग्री बुझेगा 225 डिग्री तो डायरेक्टली आम कौन करवा यही 180 प्लस 45 अरे ए सीधा के 180 हो तो 180 प्लस 45 कर डायरेक्टली हमें कौन पहुंच पारा ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पेन पेपर बिना रे हमें कौन करा सॉल्व कर पारा बिना पेन पेपर रे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पारा जो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो बुझेगा ना बुझेगा नॉर्थ वेस्ट आप करेक्ट आंसर होगा एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपर कौन अच्छी माइ फेस इज ईस्ट डिरेक्शन आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डिरेक्शन देन 135 डिग्री इन द आंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन इन व्हिच डिरेक्शन माइ फेस इज नाउ ताले पिलाने एठ हेसी गला आपन मनकर अलग अलग डिरेक्शन गुले की क्वेश्चन अलग अलग डिरेक्शन कोन ना एठी देछि कोन ना क्लॉकवाइज डिरेक्शन देछि तास त एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन देछि हमें जानि छे प्रीवियस क्लास रे मध्ये पढ़ी छे की क्लॉकवाइज डिरेक्शन माने कोन ताले क्लॉकवाइज डिरेक्शन माने कोन ना घंटार कोंटार दिग घंटा जो दिगरे भागे ताको हमें क्लॉकवाइज डिरेक्शन लिखु घंटार भागिवार विपरीत दिग को हमें कोन कहबा ना एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन समस्त जानथिबो जदी घंटा एमिति 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 बुलुची ताले क्लॉकवाइज डिरेक्शन जदी एमिति एमिति बुलुची ताले कोन जबा ना एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन आशा करछि समस्त क्लियर थिबो ताले माइ फेस इन ईस्ट डिरेक्शन ताले पिला माने फर्स्ट ड्रॉ करबा डिरेक्शन तो एटा हे गला पिला माने कोन ना ईस्ट डिरेक्शन एडा वेस्ट नॉर्थ साउथ बुझियला तो सब डिरेक्शन टिके ड्रॉ करनबा एटा हिजो कोन ना साउथ ईस्ट एटा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन ड्रा करले एबेटी कलर चेंज कर दे ताले बे कहले माय फेस इज ईस्ट डायरेक्शन ताले मो फेस को पड गछि ना ईस्ट डायरेक्शन गछि ताले ईस्ट डायरेक्शन कोटा ना एटा एंड आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन व्हिच डायरेक्शन माय फेस इज नाउ एडी मैक्सिमम ला कंफ्यूज हो जे कि सर हमर त 100 डिग्री टा कोठे हो हम जानि परिवेनी ये 100 डिग्री टा कोठे हो जानि परिवेनी जानि न पले किछ असुविधा नै केमिति सॉल्व करबा तले पिला माने देखो क्लॉकवाइज रे केते डिग्री गला ना 100 डिग्री गला क्लॉकवाइज रे केते गला ना 100 डिग्री गला एंटी क्लॉकवाइज रे केते गला ना 145 डिग्री गला एंटी क्लॉकवाइज रे 145 डिग्री गला बुझियला तले बड़ किए ना 145 बड़ कौथे जा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने बड़ रू आम कौन करवाठी ना सान को माइनस करदे 145 डिग्री रू 100 डिग्री जब माइनस करे आम 45 डिग्री आसो ये 45 डिग्री कौ डिरेक्शन मुव करवा ना आम एंटी क्लॉकवाइज कहीं एंटी क्लॉकवाइज बड़ था अधिक आम कौन करवा एंटी क्लॉकवाइज मीनस उल्टा दिगरे जावा केते डिग्री 45 डिग्री जावा तो 45 डिग्री गला पर हम कोठी पछले ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पछले तो राइट आंसर हमर कोन हे परिवो ऑप्शन ए अपन मानकर नॉर्थ ईस्ट हे जीवो बुझियला ना बुझियला ऑप्शन ए अपन मानकर नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर हे जीवो बुझियला ना बुझियला नी क्लियर समस्तंकर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन छे आउ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य ए टाइप रो क्वेश्चन आपन मन को एग्जाम रे देखिया को मिली पारे सो ए टाइप रो क्वेश्चन गोटे नै आसी आपन माने सॉल्व करंतु टिके टाइम दउ छी देन मु सॉल्व करके आपन मन को जने क्वेश्चन कौन अच्छी फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल ए फेसिंग साउथ वेस्ट डी फेसिंग साउथ ईस्ट बी एंड ई आर राइट ऑफ ऑपोजिट ऑफ ए एंड डी रेस्पेक्टिवली and c is the equidistance between d and b which direction is c facing tale jaldi jaldi ko pila mane kon hi answer quick jaldi apan mane solve karantu dekhiba kon hoch answer de gote minute pila mane wasi jaldi solve karantu हेला ठीक अच्छे पे देख कौन आंसर फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए पार्क इन ए सर्कल ताले पे फर्स्ट टाइम कौन करा पड़ेगा सर्कल ड्रॉ करा पड़ेगा ताले गोटे सर्कल रे बसछन्ते किए ना ए बी सी डी ई बसछन्ते गोटे सर्कल रे कोडी ना गोटे पार्क रे ताले ए फेसिंग साउथ वेस्ट ताले पिला माने डायरेक्शन कथा आसी गला माने हमको इठी फर्स्ट डायरेक्शन ड्रॉ करा पड़ेगा ताले डायरेक्शन जदी हम ड्रॉ करछि ए टाइप रे हिज तले एटा हिजो ईस्ट डायरेक्शन एटा वेस्ट डायरेक्शन एटा नॉर्थ डायरेक्शन एटा साउथ डायरेक्शन ताले पिला माने कहिछि ईस्ट साउथ वेस्ट कहिछि माने हमको सब डायरेक्शन मध्ये ड्रा करिया पय पडिबो तले सब डायरेक्शन ड्रा करनियो एटा हिजो साउथ वेस्ट एटा हिजो नॉर्थ ईस्ट देन आउटे सब डायरेक्शन ड्रा करनबा एटा कोन हिजो ना साउथ ईस्ट एटा हिजो नॉर्थ वेस्ट ताले वर्तमान सब डायरेक्शन ड्रा हमरो सरी जाइछि तो कौन कहला ए फेसिंग साउथ वेस्ट ताले ए कौन कर ना साउथ वेस्ट को फेस करी यार अर्थ ये जदि यही जगह रही है कौन कर ना साउथ वेस्ट को फेस कर रखे हाँ कि ना अरे ए जदि यही जगह रही ड्र करदेली
तो ये जदि एही जगह रे रहउची ताले कोन करियो ना साउथ वेस्ट को फेस करके रह परियो बुझियला ना बुझियलानी। नेक्स्ट रन कहला डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट ताले डी कोन करियो ना साउथ ईस्ट बर्तन एही डायरेक्शन को फेस करे कहले डी को कोड बसिया पिन पडियो ना डी को एही जगह रे बसिया पिन पडियो बुझियला ना बुझियलानी। डी बर्तन फेस कला कोड कि ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन बुझियला। नेक्स्ट आसीला बी एंड ई आर राइट अपोजिट ऑफ ए एंड डी ताले पिला माने बी आउ ई ए डी रो अपोजिट रे रहिबे ताले बी कहार अपोजिट रे ना बी रहिबो ए रो अपोजिट रे डी रहिबो सॉरी ई रहिबो डी रो अपोजिट रे ताले ई कोड आसीबो ना ई ए जगह आसीबो बुझियला ना बुझियला नी। ई आसीगला एठी डी आसीगला सेठी बी आसीगला ए आसीगला चार जन को हमें बसई देले तंग जगह रे। नेक्स्ट के रहिला सी इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी सी कोडी बसिबो ना सी डी आउ बी रो ठीक मझी रे बसिबो यार अर्थ एही जगह रे सी बसिबो ताले क्वेश्चन ए पचाला व्हिच डायरेक्शन इज सी फेसिंग ताले एठी आपन मानकर क्वेश्चन आसीबो सर आमे केमिति जानिबो सी को पडु फेस कर करियो पछ पडु होय त बुली के बसथाय परे आगो पडु बसथाय परे जदि होय त आगो को मध्ये बुली के बसथाय परे। अरे देखो सी जदि ए जगह रे बसिगला त डायरेक्शन एपुड के जाय परे एपुड के जाय परे एपुड के जाय परे एपुड को भी जाय परे ताले आमे केमिति जानिबो सी को डायरेक्शन फेस कर करियो ताले सबुडे पिला माने गोटे कथा मन रख सर्कल कथा कहिला माने जदि गोटे सर्कल रे बसचंती बहुत सारा पिला ताले सेमानकर फेस सबुबेले भीतर पट को ही रहइबो ना सेंटर पट को ही रहइबो सबुबेले सेमानक फेस को पट को रहइबो ना सेंटर पट को रहइबो एटा को आपनन को माइंड रे रखिया पि पडिबो। सही हिसाब रे सी रो फेस मध्ये कोन हिजबो ना सेंटर पट को जदि सी सेमानक मझी रे रहउछि त कोइ डायरेक्शन अछि ना वेस्ट डायरेक्शन रे त फेस को डायरेक्शन आसीबो ना ईस्ट डायरेक्शन आसीबो फाइनली को डायरेक्शन ना ईस्ट इज द करेक्ट आंसर हिजबो। आई होप कि समस्या क्लियर तो ऑप्शन डी आपनन को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि समस्त ए टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबे इजी क्वेश्चन बस किछि नै आपनन को फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करिवार अछि क्वेश्चन को सॉल्व करिवार अछि ए टाइप रे क्वेश्चन आपन को एग्जाम रे आसीबार 90% चांस तेन करी आपन माने ए टाइप रे क्वेश्चन को हल्का रे नेबेनी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे आपन माने क्लियर हे परिवे काहे ना एटा होछि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आ मैक्सिमम एग्जाम रे मध्ये ए टाइप रे क्वेश्चन आसी छि एसएससी हो सीजीएल हो आपन मान को एग्जाम रे आसी छि सो बीड लेवल मध्ये दिन को दिन हाई होबार लागि छि तेन करी मैक्स केते बेले भी आसी जाय परे ए टाइप रे क्वेश्चन एटा मध्ये हाई लेवल एते भी क्वेश्चन नहि नॉर्मल क्वेश्चन अछि केते बेले आसी जाय परे आपन जदि प्रैक्टिस करिवे ए टाइप रे क्वेश्चन को सॉल्व कर परिवे तले एबे जे आपले हमरा हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होइछि देखो ए मैन फेसिंग वेस्ट ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच डायरेक्शन इज फेसिंग अप ताले पिला मन ट्रिक रे सॉल्व करबा आपन को एते सारा बोले ओके एपर सपोर्ट करबा दरकार नै एटी ताले पिला मन कोन देछि प्रथम ने क्लॉकवाइज देछि तो प्रथम कोन देछि पिला मन ना क्लॉकवाइज देछि देन कोन देछि पिला मन एंटी क्लॉकवाइज देछि कि हां एंटी क्लॉकवाइज देछि ताले जदि क्लॉकवाइज आ एंटी क्लॉकवाइज देछि ताले हमें कोन करबा ना ताकु माइनस प्लस ए टाइप रे करके हमें सॉल्व कर पाइबा ताले हमें एको कैलकुलेशन कर लबा तो प्रथमे मैन को ऊपर को फेस करतला ना भाई ईस्ट डायरेक्शन को फेस करतला सॉरी सॉरी वेस्ट डायरेक्शन देन ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ताले क्लॉकवाइज रे केते बुलला 90 डिग्री बुलला एंड देन अनदर 135 इन द सेम डायरेक्शन ताले सेही क्लॉकवाइज रे आउ केते डिग्री बुलला ना 135 डिग्री ताले ताकु मिसै दियो 135 को देन कोन कला 270 डिग्री ने एंटी क्लॉकवाइज ताले एंटी क्लॉकवाइज रे केते बुलला ना 270 डिग्री बुझियला ना बुझियला बुझियला तो प्रथमे क्लॉकवाइज रे केते बुलतिला पिले ना 90 प्लस 135 केते हिजबो ना 225 डिग्री तो एठी केते आसीला पिले माने 270 डिग्री ताले बडो किए पिले माने ना एंटी क्लॉकवाइज बडो ताले जिए बडो सेतिरो हमें कोन करिवा ना छोटटा को माइनस करिवा 270 रो हमें 225 को माइनस करिवा तो माइनस कले केते जो 0 7 रु 5 बोल केते पिला माने ना 2 हिजबो ना केते सॉरी सॉरी 3 आसी गेला ना भूले गेला एक गुटी 225 ठीक अछि 5 डिग्री भूल कोटे छि ओ सॉरी 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 भूले गेल छि कैलकुलेशन ठीक तले में कंक्रीट 270 डिग्री रु हमें कंक्रीट 225 माइनस करियो तो 10 रु 5 गले 500 इटला 6 रु 2 गले 4 तले केते आसीला ना 45 डिग्री आसीला यही जो 45 डिग्री ता आसीला को डायरेक्शन मूव करिवा ना हमरे एंटी क्लॉकवाइज रे मूव करिवा को पडिवा एंटी क्लॉकवाइज रे हमें 45 डिग्री जाव पडियो तले एबे ड्रा करो डायरेक्शन तले एबे ड्रा करिवा डायरेक्शन तले डायरेक्शन कोन गेला ना ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ
एटा गला कोन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बुझीगला। तो एबे जो कोन ना हमरो को डायरेक्शन को फेस करितला सेटा देखिबा को डायरेक्शन फेस करितला ना वेस्ट डायरेक्शन फेस करितला। तो वेस्ट डायरेक्शन फेस करा तो एंटी क्लॉकवाइज रे हमको बुलिया पड़ियो माने ए डायरेक्शन हमको बुलिया पड़ियो क्लॉकवाइज जितले एंटी एंटी क्लॉकवाइज रे एंटी बुझीगला ना बुझीला ना। तर केते डिग्री ना 45 डिग्री एबे कोठी बुलियो ए डायरेक्शन बुलियो बर्तन राइट आंसर कोन हिजो साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर बुझीला ना बुझीला ना। अति सहज क्वेश्चन जदि क्लास टी भल लागछि पिलाने फटाफट दमदार आकार गोटे लाइक करनियो जमे लाइक कंजुस करें लाइक करने द्वारा आमको मोटिवेशन मिले कि आप बेस्ट कंटेंट गुड़ाक नहीं आसपा आशा कर क्वेश्चन आपने क्लीयर होते हैं पाला यहाँ होगा ट्रिक रे सल्व एवं बेसिक वे टे सल्व कर सल्व कर सल्व कर सल्व कर प्रथम डिरेक्शन ड्र कले ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ताले बर्तमान सब डायरेक्शन मध्ये ड्रा करनो सब डायरेक्शन ड्रा करले एटा हिजो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ताले पिला माने देखो प्रथमे ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पटर ना वेस्ट पटर प्रथम तो फेस कर रहितला अरे वेस्ट पटर को प्रथम फेस कर रहितला वेस्ट पटर को पटर प्रथम बुलीची ना हमरो 90 डिग्री बुलीची क्लॉकवाइज डायरेक्शन ताले वेस्ट पटर को फेस कर रहितला क्लॉकवाइज रे 90 डिग्री बुले माने डायरेक्ट कोन पर ना नॉर्थ डायरेक्शन पाखरे पहुचियो बर्तमान ए डायरेक्शन रे पहुचियाला बुझियाला। अनदर 135 डिग्री इन सेम डायरेक्शन 135 डिग्री माने 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री त 90 डिग्री बुलियो माने प्रथमे एटिक आसीबो ईस्ट डायरेक्शन को तापर 45 डिग्री आसीबो कोठी कि नै जगह पास। तो बर्तमान ए डायरेक्शन फेस करला बुझियला ना बुझियला नी। तो बर्तमान कोठी पहुंच गेला ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बर्तमान पहुंच जाय तापर पढिबा क्वेश्चन को देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ताले सेठर कोन करबो पुनी एंटी क्लॉकवाइज रे बुलियो अर्थात घंटा रे विपरीत दिगरे 270 डिग्री बुलियो ताले 270 डिग्री बुलिया पई ताको कोन करै पडिबो प्रथम तो 180 डिग्री को कवर करै पई पडिबो हां कि नै ताले 180 डिग्री को कवर करै माने डायरेक्ट आसी कोड पहुचो ना ए जगह रे पहुचो। तो 180 डिग्री कवर कला परे आउ केते डिग्री बुलिया पई पडिबो अरे भाई देखो 270 डिग्री 180 डिग्री चली गला ताले बळिला केते शून्य एठी आसी गला केते सतर आठ गले नौ 90 डिग्री बढ़ला तो पहुंचे कौटी ना पहुंचे ये जगह नॉर्थ वेस्ट में पहुंचे तो ये 90 डिग्री बुलियो अर्थात ये आस पहुंच बर्तमान कौट पहुंचा साउथ वेस्ट में पहुंचा तो आम से ही तो आंसर बाहर साउथ वेस्ट सेमती गले जहाँ एमती गले कि ट्रिक वे सल्व करदे टाइम किसी कंज्यूम हो आम जल्दी सल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन को जाइपर तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी आपर साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर हो आई होप कि समस्ते क्लीयर थी एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तो पे एंगल बेस क्वेश्चन कंप्लीट हो डिस्टेंस बेस क्वेश्चन सॉल्व करवा सहित आपर डिस्टेंस केमती आसे मन कर गोटे पिला गोटे पॉइंट बाहर की 4 किलोमीटर लेफ्ट को गला 4 किलोमीटर राइट को गला पुणी राइट लेफ्ट को गला 4 किलोमीटर ये टाइप तीन थर लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं गला चार 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 तो आपको पचरा ही कि से कैसे डिस्टेंस ट्रैवल कला तो ये आपने कौन करेंगे ना जी डिस्टेंस सब कवर करेंगे सब मिसेदेवे से आम कौन कह के डिस्टेंस कवर कर बुझीगला ना बुझीगला मन कर कहुची गोटे पिला ये पॉइंट रु स्टार्टिंग आरंभ कला तार जर्नी 4 किलोमीटर चलला तापर लेफ्ट टर्न है 4 किलोमीटर चलला पुणी राइट टर्न है 4 किलोमीटर चलला। तो फाइनाली आप क्वेश्चन करा जीवो कि भाई ये पिलाटी टोटाल केते डिस्टेंस कवर कर चारि प्लस चार प्लस चार मिसेदे तो जीत हम के चार तीन बार बार एगार केते मीटर कवर कर 12 मीटर कवर कर बुझेगा बुझे 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 12 मीटर कवर कर तो एमती आसी जाए बेले बेले क्वेश्चन कौन हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट फार मीन्स आमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स जो आरंभ करते जो शेष करते भितर बाइपास रोड जमी न था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गूगल मैप सर्च करदे गूगल मैप सब कौन कैसे ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौपे अच्छे से देखे जो गोटे शॉर्ट रास्ता थी से देखे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने ट्रिक अच्छी जोटा कि क्वेश्चन भितर सल्व करवा ठीक अच्छे तब जो डायरेक्टली क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज सल्व करवा जहाँ भी किसी बेसी नहीं कम्प्लीट कर ठीक अच्छे तरह प्रथम क्वेश्चन रही कौन मोहन वाक 30 मीटर टुअर्ड साउथ 2K लेफ्ट टर्न एंड वाक 15 मीटर हिट देन 2K राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर ही अगेन 2K राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर देन हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोहन
केते डिस्टेंस मोहन ट्रैवल करिछि एटी ट्रैवल करिछि केते डिस्टेंस पचाला माने सबु तो डिस्टेंस को हम कम करिया मिसै देबा इटे किछि कथावार्ता करिया नै हम डायरेक्ट डायग्राम किछि भी ड्रा करिया दरकार नै तथापि आपन मनकर बेसिक क्लियर पई मु डायग्राम ड्रा करछि तले मोहन वर्क 30 मीटर टुवर्ड साउथ तले साउथ कोटा नै एटा साउथ पुट को 30 मीटर ट्रैवल करला 2 के लेफ्ट टर्न एंड वर्क 15 मीटर लेफ्ट टर्न देला माने एटा हिबा त लेफ्ट 15 मीटर गला ए जगह पहुंची बर्तन देन 2 के राइट टर्न एंड 20 मीटर वर्क 20 मीटर 20 मीटर राइट टर्न दला माने एपटू गला 20 मीटर चलला ही अगेन 2 के राइट टर्न एंड वर्क 15 मीटर तले बर्तन कोन हला 15 मीटर पुनी एटी चलला बुझियो छिरा बुझियोनी देन हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोहन तले केते डिस्टेंस ट्रैवल कला रे भाई जेती बाट से चली छि सेती डिस्टेंस ट्रैवल कर छि तले प्रथम केते डिस्टेंस ना 30 मीटर तापरे 15 मीटर ए 15 मीटर नेक्स्ट केते ना 20 मीटर प्लस 20 मीटर नेक्स्ट केते ना 15 मीटर प्लस 15 मीटर ए जो सब दको जति हम ऐड करबा ये हिजबो केते 30 15 केते हिजबो 45 45 से पढे गेला केते 20 65 65 15 केते हिजबो ना 80 80 मीटर हमर करेक्ट आंसर हिजबो कोठे छ ऑप्शन सी आपनक करेक्ट आंसर हेगला बुझला बुझला ऑप्शन सी आपनक करेक्ट आंसर हेगला आई होप कि समझि गेल तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मोहन वर्क 30 मीटर सेम क्वेश्चन अछि बस आपन को क्वेश्चन लास्ट को देखि परथिबे जो पचरा हाइछि सेटा ही परिवर्तन हाइछि आपन देखि परथे इजी क्वेश्चन कोन कहिछि ना हाउ फार हिज पंप स्टार्टिंग पॉइंट सेम क्वेश्चन कोन अछि मोहन वर्क 30 मीटर टुवर्ड साउथ सेम डायग्राम ड्रा करबा तले मोहन को कोन करबा 30 मीटर ड्रा करबा मोहन मनकर एही जगह स्टार्ट करला तार जर्नी 30 मीटर को कुटु बला ना साउथ टू बला बर्तन एही जगह पहुचैछि देन कोन करबा 2 के लेफ्ट टर्न एंड वर्क 15 मीटर तो लेफ्ट टर्न नेला 15 मीटर चलला एटी गला 15 मीटर देन ही 2 के राइट टर्न एंड वर्क 20 मीटर पुन राइट टर्न नेला एटा हिजो ता राइट डायरेक्शन कोड गला एटा हिजो ता राइट डायरेक्शन तो राइट रे टर्न करके 20 मीटर गला तो 20 मीटर चलला देन कोन कहला पिला माने ही 2 के राइट टर्न एंड वर्क 15 मीटर तले 15 मीटर पुनी राइट टर्न नै चलला तले एटा हिगला कोन ता 15 मीटर चलला राइट डायरेक्शन को तले बर्तन एही पॉइंट रे आसी के से पहुंची जाई क्वेश्चन पचला हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तले ए स्टार्टिंग पॉइंट रु तार जो जगह रे पहुंची छि ता भीतर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करबो कोइ छि तले जदी आपण माने ए डिस्टेंस ता को जानि दउ छथि तले आपण को इजी हे जइबो कोन ता क्वेश्चन रु सॉल्व करया पई तले केमिति जानिबा पिलो ने एठी जाइतला केते 30 मीटर तले एठी जाइतला 15 मीटर देन आसीला 20 मीटर देन आसीला 15 मीटर तले पिले माने लक्ष्य करो ये जो 15 मीटर जाइ छि 90 डिग्री जाइ छी एटी 20 मीटर जाइ छी से 90 डिग्री बुली जाइ छी एटी मते 15 मीटर जाइ छी से 90 डिग्री बुली के जाइ छी तले पिला माने जदी एटा 15 होउची माने एटा भी 15 होउची तले पिला माने ए डिस्टेंस ता सेम अछि ना सेम नै बिल्कुल सेम अछि तो जदी ये 15 आ ये 15 हे गला तले ये जदी 20 अछि ये ऑटोमेटिकली कोन हे जियो ना 20 मीटर हे जियो बुझियाला तले ये 20 मीटर एंड ये 30 मीटर तले ए जो डिस्टेंस ता को हम फाइंड करबा पई एदिटा को मिसै दवा 30 मीटर प्लस 20 मीटर केते हे जियो ना 50 मीटर आशा करछि समझ गेल दवा ओके क्लियर ऑप्शन बी आपन मानकर करेक्ट आंसर हे गला ऑप्शन बी आपन मानकर करेक्ट आंसर हे गला बुझियाला ना बुझियालानी इजी क्वेश्चन किछ नै क्वेश्चन आपन टिके चेष्टा करले सब क्वेश्चन ल सॉल्व कर परबे आउ गो क्वेश्चन सॉल्व करियो आपन मान क्लियर हे जिवे नेक्स्ट क्वेश्चन को अछि ना ए प्लेन एटा आपन मान पई रहला होमवर्क नौ नंबर क्वेश्चन टा होमवर्क रखु छी या पर क्वेश्चन सॉल्व करियो से टाइप रे क्वेश्चन अछि बिलाने नौ नंबर क्वेश्चन टा होमवर्क रहला आपन मान पई होमवर्क समस्त स्क्रीनशॉट नै जा नौ नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहला क्वेश्चन टा मटी पढ़ी दउ छी ए प्लेन 100 किलोमीटर टू वेस्ट देन इट टर्न्स साउथ एंड 150 किलोमीटर फाइल्स ऑफ देन इट टर्न्स टू वेस्ट एंड 300 किलोमीटर टिल देन इट टर्न्स टू इट्स राइट एंड 150 किलोमीटर फाइल्स ऑफ वेयर इज ही नाउ फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट तले इनिशियल पॉइंट रु केते दूर रे वर्तमान से अछि इनिशियल पॉइंट रु केते दूर रे से वर्तमान अछि सेटा हम क्वेश्चन पचार छी आउ को डायरेक्शन में मध्य अछि व्हेयर इज पचार छी माने इनिशियल
फाइल्स अफ व्वेयर इज हि नाउ फ्रम इज इनिशियल पॉइंट ताले को डिरेक्शन रे केते दूर रे से अछि बोली हम क्वेश्चन पचाइस तो फाइंड आपन मन करिया पई पडिवो एटा रे आपन को होमवर्क क्वेश्चन अपन सॉल्व करिवे कमेंट बॉक्स रे निहायत रे कमेंट करिवे आ जदि क्वेश्चन सॉल्व हेई परनि ताले मते कमेंट बॉक्स रे जानिबे कि सर सॉल्व हेलनि बा डाउट होछि नेक्स्ट क्लास तो एटा निहायत रे सॉल्व करिवा व्यस्त माने ताले एबे नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि पिला माने इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ turn left and goes 40 meter he turn to his right left sorry he turn to his left again to walk 50 meter how far he is from starting point tale bahut hi badhiya question ta pila mane eta ko trick way re solve kariba dekho pila mane question kon dei chi in an open ground rakesh walk 20 meter tale gote ground re rakesh 20 meter wala ko gote ko na north direction ko tale pila mane dekho north direction ta kariba 20 meter ए टू स्टार्ट कला 20 मीटर गला नॉर्थ डायरेक्शन को देन लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर तो लेफ्ट टर्न होला बतवन केते गला 40 मीटर गला ही टर्न लेफ्ट अगेन वॉक 50 मीटर तले पुन कोन कला लेफ्ट टर्न होला केते मीटर गला ना 50 मीटर गला ए टू ती केते 50 मीटर तापर पचला कि हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट तले स्टार्टिंग पॉइंट कोटा एटा होसी स्टार्टिंग पॉइंट एटा हूँ कौन एंड पॉइंट तो फार पचारा मैंने पे सब कौन करेंगे फार मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पचार तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाहर करने कौन करेंगे ये डिस्टेंस को फाइंड करार अच्छे तो ये डिस्टेंस केमी बाहर करवा टे देख पे इजी क्वेश्चन टी बुझे सहज हम पे देख प्रथम से 20 मीटर जाइए ऊपरक नॉर्थ डायरेक्शन गला लेफ्ट टर्न 40 मीटर गला कौन कला ना 50 मीटर गला दे ये जगह आसी पहुंचे आप सब लेफ्ट टर्न दो कि राइट टर्न दो सब 90 डिग्री मूव कर एंगल सब कौन ना 90 डिग्री ही थी तेल पे टे देख ये जी कौन करवा गोटे लाइन्स ड्र करवा ये जी गोटे लाइन्स ड्र करवा पे ये जो 40 मीटर हो ये भी 40 मीटर हम ना ना ये जी 20 मीटर हो ये भी 20 मीटर हम कहीं यू मेजरमेंट करके गोटे पॉइंट ने से पॉइंट गोटे लाइन ड्र कले 20 मीटर हो 20 मीटर ऑटोमेटिकली ये कौन हो 40 मीटर हो कि ना बिल्कुल हो तो पे देख यहाँ जी 20 मीटर है ये टोटाल होते ना 50 मीटर तो ये ऑटोमेटिकली एति डिस्टेंस ऑटोमेटिकली के 30 मीटर हो तेल आमको मिलगला यहाँ 40 मीटर यहाँ 30 मीटर मिलगला फाइनाली आमको ये कर्णरटा बाहर करार अच्छे जोटा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तेल आप सब मन रखा पड़ो गोटे फॉर्मूला अच्छी पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कौन आमको ये मन नेम देदेव यहाँ मन एगला यहाँ बी होगा यहाँ सी होगा तो आम कौन करवा सी र स्क्वायर इक्वल टू कौन हो पाने एसी र स्क्वायर प्लस ए बी र स्क्वायर सेमती सी जी आम फाइंड करवा कौन जी ना एसी र स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रूट ओवर हो अरे हाँ कि ना बिल्कुल रूट ओवर तेल पे फाइंड करवा एसी के पे ना एसी दे 30 सी बी के पा मैंने 40 प्लस 40 सब स्क्वायर नहीं जा ताले पिला मैंने को कैलकुलेशन ये करदे तो 30 रो स्क्वायर के पे 9900 40 रो स्क्वायर पे 1600 तार रूट ओवर नहीं जा तो यहाँ बर्तमान सल्व करवा के 2500 तो 2500 रूट ओवर नहीं गले के 50 हो किए ना आम सी तेल ये डिस्टेंस के 50 बाहर से ही तो पचार कौन पचार हाउ फार हिज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के दूर अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट ना 50 मीटर दूर अच्छी जोटा कि राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन सी आम करेक्ट आंसर बुझीगला ना बुझीगला जदि बुझ न पार्च कमेंट बक्स में निहित भर में जो क्लास भल होती क्लास पर फटाफट लाइक कर चैनल नुआ थे चैनल को निहित भर सब्सक्राइब कर और साइड बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन दबा को जमे भी भूल ना आशा करूँ समस्त क्लियर होते हैं पे मैंने जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जहाँ कि आप होमवर्क रही है तो से भाया क्वेश्चन टे आउ गोटे रही पाने होमवर्क रहा आपण मैंने सल्व करूँ जदि सल्व न करेंगे कमेंट बक्स कमेंट करते होमवर्क रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन अच्छे आपर ये कौन ना होमवर्क रहा आशा करूँ सब गुड़ा क्लीयर थे तो यहाँ थी आप फाइनाल क्वेश्चन समस्त स्क्रीनशॉट नहीं जातु आशा करूँ आज क्लास टी भल लगी जब भल लगी क्लास को लाइक करते चैनल ना चैनल को सब्सक्राइब करते टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होगा भूलते नहीं टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होने द्वारा आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलूँ कौन से बेनिफिट जब ऑफिशियल ग्रुप में जॉइन होते हैं आपने जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन प्रोवाइड करा तार बेनिफिट पाइपे जापरिया आगुआ तो सहित आपड़ जब डिस्कशन ग्रुप में जॉइन होते हैं
डिस्कशन ग्रुप आपण निजर डाउट पचारिक डाउट क्लियर करेंगे सहित आपड़ी साइटेड क्लासेस ऑफिशियल आउटपुट डाउनलोड करते आगे आप बहुत सारा बेनिफिट आसपा को जाऊँच तार फायदा आपने उठे पारे डेरी करूँ जल्दी जल्दी क्लास को सेयार करूँ फ्रेंड मान सहित जहाँ से प्रिपेरेशन करेंगे से क्लास गुड़ा अटेंड कर सक्सेस आ बाकी क्लास गुड़ाक साइटेड क्लासेस प्रोवाइड कराँच आपड़ चाहिए से क्लास गुड़ाक देखिपारे आशा करें आज क्लास टी भल लगे पुणी थे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पुणि देखा हम नेक्स्ट क्लास गोटे दमदार सेशन सहित से पर्यटन रोच पे नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।